सबसे पहले तो मैं हमारे एक हिमाचल प्रदेश के बड़े प्रमुख और जाने माने हस्ती हरनोट जी, जो किताबें भी लिखते हैं और इनकी विशेष रुचि इसी में रही है, इन्होंने आज मुझे इस मेले में आमंत्रित किया। इनका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि मुझे यहाँ मालूम हुआ कि पिछले 8 सालों से ये मेला हर साल यहाँ पर लगता है, इसकी शुरुआत माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 8 साल पूर्व में की थी और वो काफ़ी रुचि लेते थे साहित्य में और प्रकाशन में, और उनके द्वारा बहुत प्रोत्साहन लेखकों को भी मिलता था और जो प्रकाशन करते हैं उनको भी मिलता था। तो उसी कड़ी में ये हर साल ओकाड के हमारे सचिन जी आते हैं और हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं। इस बार इन्होंने रिज मैदान में इसका जो ये मेला लगाया है उससे बहुत से हमारे टूरिस्टों ने भी फ़ायदा उठाया। मैं एक दिन आई थी, मैंने देखा यहाँ कि बहुत सा टूरिस्ट हमारा आकर्षित हो रहा था, खास करके नौजवान पीढ़ी बच्चे वो रुचि ले रहे थे, देख रहे थे कि हमारे को हमारी इंटरेस्ट की कोई किताबें मिले। बहुत सी किताबें खरीदने में वो रुचि दिखा रहे थे, जो कि एक हर्ष का विषय है, क्योंकि आज के समाज में जब से ये हमारा टीवी और मोबाइल का ज़माना आया उससे थोड़ा मुझे लगा कि कुछ कमी आई है, बच्चे ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे किताबें पढ़ने में। तो मेरे को लगता है कि अगर इसी तरह से हम इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे और ऐसा मेलों का आयोजन हर साल होता रहे तो बच्चों को भी उससे रुचि होगी, वो भी यहाँ पर सस्ते दामों में किताबों को ग्रहण करेंगे, लेंगे, खरीदेंगे और उनको अवश्य पढ़ेंगे भी। तो मैं इनका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो हमारे ओकाड के द्वारा यहाँ पर मेले का आयोजन हुआ है। हमारे जो इन किताबों को छापते हैं वो लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, उनको भी मौका मिलता है कि हम अच्छी अच्छी किताबें जो जिसमें हमारा इतिहास है, हमारा साहित्य है, हमारे बहुत कुछ हमारे कल्चर को दर्शाता है, उनको वो लिखने में और उसका प्रकाशन करने में उनको भी बल मिलता है। तो मुझे खुशी है कि आज हम युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं हर साल इसके लिए। खास करके ओकाड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम हर साल ये उठाते हैं। देखेंगे, प्रयास करना हमारा फर्ज है। हम भरी हर क्षेत्र में ये जो 3 हमारे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मैंने जाकर वहाँ पर अनुमान भी लगाया है और लगता है कि आज के हालात को देखते, आज की परिस्थिति को देखते हुए अवश्य, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही जो काम किए हैं वो अस्मरणीय है, लोग अभी भी याद करते हैं कि ये सारा विकास का कार्य कांग्रेस के शासन में हुआ है। तो इन बातों को याद रखते हुए अवश्य कांग्रेस पार्टी को लोग अपना कीमती वोट देंगे और हमारी ये जो 3 महत्वपूर्ण सीटें इसमें अवश्य हमारे कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। देहरा से मैम, मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, मुख्यमंत्री को पत्नी को उतारना पड़ा चुनाव में, देहरा से लोकल कैंडिडेट नहीं मिल पाया आज तक। देखिए, बीजेपी को तो जब कुछ और नहीं मिलता तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं, वो तो शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस, शी कैन फाइट फ्रॉम एनीवेयर। ये क्या मतलब है बोलने का कि कोई और नहीं मिला तो धर्मपत्नी को उतार दे? ठीक है, शी इज बेसिकली बेस्ड, उनका पेव का उनका घर देहरा में था और उन्होंने बचपन अपना देहरा में बताया है, तो इसलिए सभी का व्यू देखते हुए, सर्वे की रोड देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगा कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है तो उनको टिकट दिया गया।